हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 16 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम पार्ट वन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट वन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कि मॉड्यूलरिटी मीन्स पार्टीशनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टू अ स्मॉल सब प्रॉब्लम विच आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। तो यहाँ पे मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है, कि जो भी हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम को यहाँ पे छोटे छोटे भाग के अंदर डिवाइड कर दो, और फिर बाद में उसको हर एक पार्ट को क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी वो अपने आप वहां पे सॉल्व हो जाएगी। इन अ सी लैंग्वेज, प्रोग्रामर कैन डिवाइड अ प्रॉब्लम इन टू स्मॉल सब प्रॉब्लम एंड देन कैन राइट अ फंक्शन फॉर ईच सब प्रोग्राम। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में भी इसी हिसाब से काम होता है, कि जो भी प्रोग्रामर होगा, वो प्रोग्रामर क्या करेगा, वहां पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको यहाँ पे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करेगा, एंड देन आफ्टर हर एक सब प्रॉब्लम के लिए वो क्या करेगा, एक फंक्शन लिखेगा। ओके, तो इसी हिसाब से वो अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेगा, और पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी एरर आएगी तो वो एरर कहाँ पे मिलेगी, एक छोटे से फंक्शन के अंदर। यानी कि जो भी हमने सब प्रॉब्लम को डिवाइड किया हुआ है, उतने पोर्शंस में हमें एरर पता चल जाएगा। बड़े से प्रोग्राम के अंदर एरर ढूंढने से अच्छा है कि हम छोटे से एक पार्ट के अंदर से हम एरर अपनी आसानी से ढूंढ सकते हैं। द प्रॉब्लम इज देन सॉल्व बाय यूजिंग ऑल फंक्शंस टूगेदर इन अ प्रोग्राम एंड बाय ग्रुपिंग सच अ फंक्शंस वन एंटायर एप्लीकेशन कैन बी डेवलप। तो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है, कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या करो, फंक्शन क्रिएट करो, और ऐसे हर एक सब प्रॉब्लम का हर एक फंक्शन को इकट्ठा करोगे तो यहाँ पे आपकी एक खुद की एक एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। यानी कि आप अपना खुद का एक प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, जो इजिली हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या है, हमें प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को यूज क्यों करना है, कि सबसे पहला है कि डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू फंक्शंस मेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम इजियर। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिवाइड करने से हम हर एक प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं, और उसको अगर हमें पर्टिकुलर कोड को मेंटेन करना हो तो वो मेंटेन करना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। फंक्शंस रिटर्न वंस कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम। हमने एक बार प्रोग्राम के अंदर फंक्शन लिख दिया, फिर पर्टिकुलर उस फंक्शन को हमें पूरे प्रोग्राम में कितनी भी बार यूज करना हो, हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस रिड्यूस द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम एंड सेव्स द मेमोरी। तो यहाँ पे इस हिसाब से काम करने का मतलब यही रहेगा कि हमारी प्रोग्राम की लेंथ यहाँ पे वो घट जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी, एंड जो भी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग मेमोरी अलोकेट होगी, वो मेमोरी भी यहाँ पे कम यूज होगी। ओके, एंड द लास्ट एडवांटेजेस इज कि अब फंक्शंस रिटर्न फॉर अ वन प्रोग्राम कैन बी यूज इन अनदर प्रोग्राम। तो यहाँ पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर अगर हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो उसी फंक्शन को अगर हमें किसी और प्रोग्राम में भी यूज करना हो तो हम वहां पे उसको इजीली कर सकते हैं। तो ये थे सारे एडवांटेजेस कि हमें फंक्शन प्रोग्राम के अंदर क्यों यूज करने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ द फंक्शन। द सी फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है, उस फंक्शन को हम यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलिए देखिए इन दोनों पार्ट्स के बारे में, कि व्हाट इज अ लाइब्रेरी फंक्शंस एंड व्हाट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है। तो पहला पॉइंट कि लाइब्रेरी फंक्शंस, तो द सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस। तो जो सी लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से हमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएंगे, डेट इज ऑलरेडी बने हुए फंक्शन है। जब भी आप सी लैंग्वेज इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे। दे आर नोन एज अ लाइब्रेरी फंक्शंस और अ सिस्टम डिफाइंड
फंक्शंस। तो जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, उस फंक्शन को हम यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। दिस फंक्शंस आर अवेलेबल इन अ कंपाइल फॉर्म इन अ सी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस है, यानी कि जो लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है, वो ऑलरेडी कंपाइल किए गए ही है, यानी कि ऑलरेडी बने हुए हैं। सिर्फ हमें पर्टिकुलर उसके नाम का यूज कर हमें क्या करना है, प्रोग्राम में उसको कॉल कराना है। ओके, टू यूज एनी लाइब्रेरी फंक्शंस वन नीड टू इंक्लूड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल इन अ सी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर कोई भी हमें बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना हो, तो एज अ हेडर फाइल हमें सी प्रोग्राम के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सी प्रोग्राम के अंदर वेरी फर्स्ट लाइन में जो हम हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन के रिगार्डिंग हमें वो क्या करनी पड़ेगी, हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। यानी कि आपको जिस फंक्शन का यूज करना है, पर्टिकुलर उस फंक्शन के रिगार्डिंग जो भी वहां पे हेडर फाइल होगी, उस हेडर फाइल को आपको वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम नोन हेडर फाइल्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैथ डॉट एच, यानी कि एक हेडर फाइल है मैथमेटिकल फंक्शंस के रिगार्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे उसका नाम है मैथ डॉट एच। तो दिस हेडर फाइल इंक्लूड्स मैथमेटिकल फंक्शन सच एज अ कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन एक्सेट्रा। यानी कि आपके आप आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेना हो, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैथ डॉट एच नाम की एक हेडर फाइल अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे ऑलमोस्ट जो भी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो सारे फंक्शंस वहाँ पे इनबिल्ट क्रिएट किए गए ही है। तो आपको पर्टिकुलर उस फंक्शंस का नाम लिखकर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म कराना हो, कैलकुलेशन आप परफॉर्म करा सकते हो। यानी कि ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे दो या फिर पर्टिकुलर कोई भी रिटर्न टाइप आप वहां पे दे सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट इज stdio.h। ये वाली हेडर फाइल का हमने काफी बार प्रोग्राम के अंदर यूज किया गया है, और अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हर एक प्रोग्राम्स में आपने ये लाइन लिखी ही हुई होगी। तो दिस हेडर फाइल कंटेन्स स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शन सच एज अ प्रिंट एफ फंक्शन एंड स्कैन एफ फंक्शन एक्सेट्रा। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर हम प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते ही है, और हर एक प्रोग्राम के अंदर stdio.h हेडर फाइल का भी हम यूज करते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। फिर थर्ड वन इज स्ट्रिंग डॉट एच। तो दिस हेडर फाइल कंटेन्स द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन सच एज strcmp फंक्शन, strlen फंक्शन एक्सेट्रा। यानी कि दो स्ट्रिंग को अगर हमें कंपेयर करना हो, स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो, तो आप यहाँ पे ये दो फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और भी जो भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, अपेंड करना, वो सारा कुछ आप यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच नाम की हेडर फाइल कॉल कराओगे तो पर्टिकुलर फंक्शन का आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर फोर्थ वन इज stypedot h, दैट इज दिस हेडर फाइल कंटेन्स द कैरेक्टर टेस्टिंग एंड कन्वर्जन फंक्शन सच एज इज अपर केस फंक्शन एंड इज डिजिट फंक्शन एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे इज टाइप की हेडर फाइल का यूज कर आप यहाँ पे कैरेक्टर को टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स होगी उसको यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करना हो, या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर के कितने डिजिट्स है वो अगर आपको फाइंड करना हो, तो आप पर्टिकुलर दिस हेडर फाइल का यूज कर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। फिफ्थ वन इज stdlib.h, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। दिस हेडर फाइल कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज फॉर द स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, मेमोरी एलोकेशन, रैंडम नंबर जनरेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस टाइप की हेडर फाइल का यूज कर आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्जेशन कर सकते हो, या फिर उसको मेमोरी एलोकेशन देना हो स्ट्रिंग को तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, रैंडम नंबर जनरेशन करना हो तो भी आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज टाइम डॉट एच। तो दिस हेडर फाइल कंटेन्स द फंक्शंस रिलेटेड टू द टाइम सच एज अ टाइम फंक्शंस, DIFF टाइम फंक्शन, यानी कि दो टाइम के बीच का डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना हो तो आप DIFF टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर सिस्टम का टाइम देखना हो तो आप यहाँ पे टाइम फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो टाइम के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रोग्राम में यूज करना हो, तो आप यहाँ पे टाइम डॉट एच नाम की हेडर फाइल का यूज कर उसमें रहे सारे इनबिल्ट फंक्शन का आप यहाँ पे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो।
जो सीधा फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट में डायरेक्ट उसके वैल्यू असाइन करा दो, या फिर उसके रिगार्डिंग्स आर्ग्यूमेंट जितनी भी आपको पास करानी हो कॉमा ऑपरेटर के साथ आर्ग्यूमेंट पास कराते जाओ। तो ये सारे जो हेडर्स फाइल थी वो कॉमनली हम प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, और ये सारी यहाँ पे ये लाइब्रेरी फंक्शंस है जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइल फॉर्म में इंक्लूड है। फिर फंक्शन का सेकंड पॉइंट था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो देखिए उसके बारे में, द फंक्शंस डेवलप्ड बाय द यूजर्स आर नोन एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, एग्जांपल अ मेन फंक्शन। तो जो फंक्शंस पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करेगा डेवलप करेगा उस फंक्शन को यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, जैसे कि मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोग्रामर होगा वो खुद का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेगा और प्रोग्रामर ही उस पर्टिकुलर फंक्शन का यहाँ पे क्या करेगा, एक नाम देगा। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफिनेशन यानी कि सिंटेक्स हम कैसे यूज करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फंक्शन डेफिनेशन। तो इन अ सी लैंग्वेज फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स, रिटर्न अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप, फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर किसी भी प्रोग्रामर को यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करना होगा तो इसको इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले रिटर्न टाइप उसको लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर पर्टिकुलर कोई ना कोई एक फंक्शन का एक मीनिंगफुल नाम देना पड़ेगा जिसके बारे में आप फंक्शन बना रहे हो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पे उसको एक नाम दे दो और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहां पे फंक्शन स्टेटमेंट, दैट इज फंक्शन के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन है स्टेटमेंट पास करना हो वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंटेक्स को थोड़ा डिटेल में समझे, तो यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप मीन्स वॉट, कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी फंक्शंस के बारे में वैल्यू रिटर्न करनी हो तो हम यहाँ पे उसको वहां पे उसके रिटर्न टाइप देना जरूरी रहेगा। अगर फंक्शन डेटा टाइप को रिटर्न ना करे यानी कि वैल्यू को रिटर्न ना करे ऐसा अगर डिक्लेयर कराना हो तो उसके आगे यहाँ पे आपको void डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर फंक्शन नेम, वहां पे एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर फंक्शन का नाम वहां पे एक होना चाहिए कि जिसके बारे में आप काम कर रहे हो वो एक मीनिंगफुल नेम आप वहां पे उसको एज अ फंक्शन नेम की जगह पर लिख सकते हो। एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हो, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लिखने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज करना जरूरी है। ओके, एंड लास्ट जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फंक्शन स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है जो ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, उसको यहाँ पे हम फंक्शन बॉडी के नाम से जानेंगे, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसके होंगे, तो पर्टिकुलर जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है उसी फंक्शन के वो स्टेटमेंट हो गए, डेट इज अ फंक्शन बॉडी। यहाँ पे कुछ नोट्स है जो हमें याद रखनी है कि सबसे पहला है कि टू यूज एनी लाइब्रेरी फंक्शन वन नीड टू इंक्लूड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। तो हमने आगे भी देखा था कि पर्टिकुलर कोई भी एक लाइब्रेरी फंक्शन को अगर हमें प्रोग्राम में यूज करना है तो उस लाइब्रेरी फंक्शन के रिगार्डिंग जो भी हेडर फाइल होगी उस हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। फिर सेकंड पॉइंट है कि ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शंस नीड टू बी डिफाइंड एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप बिफोर बीइंग यूज इन अ प्रोग्राम। तो जो भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हो वो प्रोग्राम के अंदर आपको कहीं पे भी यूज करना हो उससे पहले आपको वहां पे उसको भी डिक्लेयर करना जरूरी रहेगा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जनरली मेन मेथड के ऊपर हम वहां पे डिक्लेयर करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑब्वियसली दैट कि फंक्शन प्रोटोटाइप मींस डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन बिफोर देयर यूज इन अ मेन फंक्शन। तो हम यहाँ पे जो भी मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उस मेन फंक्शन के ऊपर आपको वहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करना जरूरी है, अगर वो डिक्लेयर नहीं किया तो मेन फंक्शन के अंदर आपको एरर दिखेगी पर्टिकुलर फंक्शन के नाम की, अगर आपने वो डिक्लेयर किया गया है तो फंक्शन स्मूथली रन हो जाएगा इन योर प्रोग्राम। तो ये तीन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शंस के बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से याद रखने हैं। तो उसमें सबसे पहला कि समटाइम्स द फंक्शंस रिटर्न द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एनी वैल्यू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, एंड
एज द फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द मेन फंक्शन इट्स रिटर्न टाइप शुड बी डिफाइंड एज अ वॉइड। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फंक्शंस वहां पे कोई भी वैल्यू रिटर्न करे उसकी जगह पर वो प्रोग्राम का कंट्रोल क्या करेगा वहां पे, एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोग्राम का कंट्रोल अपने अंडर ले लेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हमें फंक्शन की रिटर्न वैल्यू डिक्लेयर यानी कि वो रिटर्न नहीं करानी, फंक्शन की जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज को अगर हमें रिटर्न नहीं कराना है तो पर्टिकुलर फंक्शन को हमें एज अ वॉइड डिक्लेयर कराना पड़ेगा। अगर किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप हमें नहीं चाहिए, रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, तो पर्टिकुलर फंक्शन को हमें क्या करना है, एज अ वॉइड डिक्लेयर करा दो, तो वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट टू कॉल अ फंक्शन यूज फंक्शन नेम विथ अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और एक बात और भी हमें याद रखनी है कि अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी फंक्शंस को कॉल कराना है तो पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराने के लिए उसका जो भी नाम है उसी नाम से प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल कराओ विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और उस फंक्शन के साथ जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे पैरामीटर्स के साथ। फिर सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखना होगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी जो भी हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न वैल्यू वहां पे क्या करनी है, कॉल करानी है। द सिंटेक्स फॉर द रिटर्न इज एज फॉलो। वो रिटर्न के लिए हमें सिंटेक्स कैसी लिखनी है, तो यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल दिया गया है कि रिटर्न सेमीकोलन और रिटर्न ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जो पहली सिंटेक्स आप वहां पे जो आप देख रहे हो वो वहां पे कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, इट जस्ट रिटर्न ओनली कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर फंक्शन को वो क्या करेगा, एक कंट्रोल वहां पे उसको दे देगा वैल्यू को रिटर्न करने की वजह। व्हेन रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज वॉइड there is no need to use return statement at the end of the function body। particular function को अगर हमने void declare किया गया है तो उस functions के regarding हमें कोई भी return statement लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो already void हमने declare किया गया है। okay, तो उसके लिए हमें कोई भी return statement लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। okay, तो particular functions में no need to write a return statement। And the third and the last point is two types of variables can be used within a function। हम function के अंदर दो type के variable declare कर सकते हैं। In a C language, scope of variables are of two types। कि C language में अंदर कौन से दो type के variables है वो हमने आगे के chapters में भी देखा था। First one is a global variable and the second one is local variable। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल डेट मीन्स अ वॉइड फंक्शन जो हम मेन फंक्शन बनाएंगे, वॉइड मेन फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे उसके ऊपर जो हम डिक्लेयर करेंगे वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे, और मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम डिक्लेयर कर दें दैट इज योर लोकल वेरिएबल। द ग्लोबल वेरिएबल रिमेन्स द एक्सेसिबल इन अ बोथ मेन फंक्शन एंड एनी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन, वेर एज local variable is accessible in the function in which it is created and global variable is always declared before the main function। तो यहाँ पे global variables और local variable का difference ही समझाया है कि global variables जो भी हम program के अंदर declare कर रहे हैं वो main function as well as user defined functions हम जितने भी create करेंगे दोनों के अंदर हम वो उसको access कर सकते हैं, but लोकल वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस करना है तो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल का ये एक डिफरेंस है कि ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के अंदर आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो, एंड लोकल वेरिएबल पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही आप उसको यूज कर सकते हो, आउटसाइड द फंक्शंस यू कैन नॉट यूज द लोकल वेरिएबल, एंड ग्लोबल वेरिएबल इज ऑलवेज डिक्लेयर बिफोर द
मेन फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल है कैसे पता चलेगा? तो मेन फंक्शन के ऊपर जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए गए हैं वो सारे ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, ये था, हमने देखा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है, और दो टाइप के हमने फंक्शन देखे, यूजर डिफाइंड और जो इनबिल्ट फंक्शन है यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन जो अवेलेबल है उसके बारे में हमने डिस्कस करा, और हमने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे कि फंक्शन को यूज करने में कौन कौन से टॉपिक्स हमें याद रखने हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 16 के पार्ट 2 के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, जिसके अंदर हम सी फंक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो फंक्शंस है उसके टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।